सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टिप को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट एप्लीकेशन गेम और टेक न्यूज के बारे में हिंदी में जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप में से कई लोग वायरलेस कनेक्टिविटी और वाईफाई का यूज करते होंगे, मगर आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करता है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरलेस कनेक्टिविटी और वाईफाई के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टिप में। तो आइए देखते हैं। आजकल के जमाने में आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे आपको वायरलेस कनेक्टिविटी और वाईफाई तो मिल ही जाएगा, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कोई हॉस्पिटल हो या स्कूल कॉलेज हो, आपको वायरलेस कनेक्टिविटी और वाईफाई तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है उसे हम वाईफाई भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 802.11। तो दोस्तों, इसे 802.11 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये IEEE की 802.11 कनेक्टिविटी से ये काम करता है। तो दोस्तों, वाईफाई होता क्या है और वाईफाई राउटर हम क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम आसान तरीके में बात करें तो वाईफाई राउटर इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रॉडबैंड के मॉडम में से जो भी सिग्नल्स आते हैं तो वाईफाई राउटर उसे क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और आप अपने मोबाइल से बिना किसी फिजिकल माध्यम से उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। सबसे पहले मान लीजिए आपने मोबाइल में सर्च किया है फेसबुक, तो फेसबुक आपने जो सर्च किया है वो एक मैसेज बन जाएगा और बाद में वो कहां पे जाएगा, आपके वाईफाई के राउटर में जाएगा। उसके बाद वो वाईफाई के राउटर के थ्रू आपके ब्रॉडबैंड के मॉडम में जाएगा और उसके बाद वो इंटरनेट में डिकोड हो जाएगा और इंटरनेट में जो भी डिकोड होगा उसके वो प्रोसेसिंग होगी और वो प्रोसेस होने के बाद वो सबसे पहले कहां पे आएगा, वापस से ब्रॉडबैंड के मॉडम में आएगा और उसके बाद वाईफाई के राउटर में आएगा। और वाईफाई राउटर क्या करेगा, आपका जो भी सर्च रिजल्ट होगा वो उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद वो वापस से आपको मोबाइल में आ जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाजू में देख सकते हैं चार्ट है तो बहुत सिंपल तरीका है समझने के लिए। सबसे पहले आपने मोबाइल में सर्च किया, उसके बाद वो वाईफाई के ब्रॉडबैंड में जाएगा और उसके बाद वो ब्रॉडबैंड के मॉडम में जाएगा और उसके बाद वो इंटरनेट में जाएगा आपका मैसेज। और यहाँ पे है वो रिसीव कैसे होगा, तो सबसे पहले इंटरनेट में जो डिकोड हुआ है वो आपके ब्रॉडबैंड के मॉडम में आएगा, उसके बाद वो वाईफाई के राउटर में आएगा। और वाईफाई राउटर क्या करता है कि आपने जो मैसेज आया है वो सिर्फ उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और बिना किसी फिजिकल माध्यम के द्वारा वो आप तक मैसेज पहुंचाता है। और दोस्तों, ये जो वाईफाई राउटर होता है वो टू वे ट्रैफिक का रूल अप्लाई करता है। जैसे कि टू वे ट्रैफिक क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई सर्च किया है, यानी कि आपकी कोई प्रोसेस ऑलरेडी एक वर्किंग है तो वो दूसरी प्रोसेस भी वर्किंग कर सकता है। और वन वे ट्रैफिक क्या होता है कि मान लीजिए आपकी अगर कोई प्रोसेस वर्किंग है तो वो दूसरी प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वाईफाई राउटर वो टू वे ट्रैफिक का रूल अप्लाई करता है और वो उसमें हम मेनी प्रोसेसेस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही ये चेन चालू रहती है और आपको बैक टू बैक सर्च, आपको सर्च के रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने एक बात और नोटिस की होगी कि आपके जो वाईफाई का राउटर होगा वो आपको अलग अलग प्राइसेस में मिलता होगा, हालांकि कंपनी एक ही होगी लेकिन प्राइसेस अलग अलग होगी। जैसे कि 500 रुपए वाला राउटर, 1000 रुपए वाला राउटर, 1500 रुपए वाला राउटर, तो इसमें डिफरेंस बहुत सारा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 208.11 नाम की फ्रीक्वेंसी से काम करता है। तो दोस्तों, जो 500 रुपए वाला राउटर आता होगा उसमें सिर्फ आपको 208.11B वाला टाइप मिलता है और इसमें आप सिर्फ 11 Mbps की स्पीड रिसीव कर सकते हैं और 11 Mbps की स्पीड से सेंड भी कर सकते हैं। और जो 1500 रुपए वाला राउटर आता होगा उसमें आपको मिलता है 208.11G की फ्रीक्वेंसी, इसमें आप 52 Mbps की स्पीड से मोबाइल के डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं और इंटरनेट को सेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाईफाई राउटर ऐसे वर्क करता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यहाँ पे जो लाइक बटन है उसे जरूर से प्रेस कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब के बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना कैसे नए एप्लीकेशन, गेम या टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो लेके आता रहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं दीप आपसे जल्दी मिलूंगा, सेम प्लेस सेम चैनल टेक टीम। थैंक यू, जय हिंद। और सब्सक्राइब का बटन इधर पे तो इधर पे प्लीज क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।